जो मेन काम करने के लिए हिंदुस्तान आया था उनमें से एक काम करने का टाइम आ गया आज। अरे अब ये क्या सीन है यार, वापस ही आ गए लोग, जाम लग गया क्या? और ये जो गाड़ी आपको दिख रही है तो ये इनोवा ही, मगर मेरी गाड़ी नहीं है, मैंने सरदार जी से मांगी एक दिन के लिए, क्योंकि मेरी गाड़ी का टायर वायर सारा पंचर पड़ा है, वो सब ठीक कराना है, तो इसलिए मार्केट के काम पे तो मैंने उनसे आज गाड़ी का फेवर ले लिया। अरे यार मौसम आज बारिश अगर सॉलिड आ गई तो फिर फंस जाएंगे, मगर रिसेंटली बारिश के चक्कर में सड़कें ही बहुत ज्यादा टूट टाट गई हैं, हर जगह ट्रैफिक स्लो ही चल रहा है। भाई जी इनकी बड़ी टफ जॉब है यार। तालाब बन गया है, मैं गाड़ी तक कैसे जाऊं? चलो कम से कम एक कोना तो खाली है, बाकी जी 2.5 घंटे लगाए क्योंकि एंट्रीज इतनी कॉम्प्लिकेटेड। ऐसे टाइम पे आईफोन काम आ जाता है। 2.5 घंटे लगाए, इतनी एंट्रीज थी कॉम्प्लिकेटेड क्योंकि कई पेमेंट सेंट्रा के कार्ड से हैं, कई मेरे कार्ड से हैं, फिर अलग अलग लैंग्वेज में उनको पूरा बताना कि भाई ये बिजनेस है, ये पर्सनल है, तो उस हिसाब से फिर डिफाइन होता है ना कि भाई कितनी चीज़ें कहाँ किस हेड में डिक्लेयर होंगी। बहुत टाइम लग गया मगर इट वॉज अ बिग आई ओपनर फॉर मी। मतलब आप ये लगाओ कि इतना खर्चा ट्रैवल व्लॉगिंग का, वीडियो का, खासकर फैमिली के साथ ट्रैवल करने का 2022-23 का जो फाइनेंशियल ईयर था, कि कमाई हमारी ना आगे बराबर आप लगा लो जो मतलब सेविंग कमाई तो नहीं, क्योंकि तो जो हमारे खर्चे हैं, मेंटेनेंस है हमारी, हमारी पर्सनल लाइफ के खर्चे हैं, वो तो सारे निकल जाते हैं, बट सेविंग नहीं हो पाई। कैमरा भी है ना एक तो हाथ में, इसका थोड़ा सा डर रहता है। अब जब भी मैं इंडिया छोड़ के जाता हूँ ना, हमेशा ब्लैंक चेक साइन करके अपनी दीदी के पास रखवा के जाता हूँ, बस उनके पास जा रहा हूँ अभी चेक उठाने हैं, क्योंकि तो कुछ इम्पोर्टेंट पेमेंट्स करनी है। कड़मस मचा हुआ है, एक तो पानी भरा हुआ है, ऊपर से रॉन्ग साइड आ रहे हैं भाई जी, वो भी ऐसे पानी में से निकाल के। हिम्मत है भाई, ये एक्सेंट लेके चला रॉन्ग साइड। क्या यार, चलो जी चेक भी ले लिया, दीदी घर पे है नहीं, बाहर चेक लग गई थी, अपना काम हो गया। सारे आजकल आईटीआर भरने में बिजी है, दीदी भी आईटीआर भरने गई हुई है सीए के पास। बैंक जी हमारा बड़े पुराने टाइम से अब रिलेशन ऐसे बन गया कि मैंने उनको रिक्वेस्ट करी कि आप होटल आके मेरे से कागज वगैरह प्लीज ले जाओ और कर लेना सारा काम, क्योंकि हर जगह जो है ना जाम बहुत ज्यादा लग रहे हैं, तो उन्होंने इस साइड ही आना होता है तो वो तो निपट जाएगा। और सरदार जी के यहाँ मेरे को गाड़ी वापस करने जाना था ताकि वो मेरे को होटल छोड़ दें, मगर उन्होंने कहा कि इतने जाम लगे हुए आप आने की तकलीफ ही मत करो, तो इसलिए सरदार जी थोड़ी देर में मेरे को खुद ही ज्वाइन कर लेंगे जब वो फैक्ट्री से निकलेंगे, बस मैं अब अपनी गाड़ी का काम जो है ना करवा लूं ताकि कल से हम फिर निकलने लायक हो, क्योंकि मेरे को हो सकता है दिल्ली छोड़ के कल जाना पड़े, क्योंकि कुछ बड़ी धमाकेदार चीज हो रही है बॉम्बे में, मुंबई में। आपको चाबी की जरूरत होगी पंचर लगाने के लिए? नहीं तो फिर जाके लगा दोगे? ठीक है, वैसे तो खड़ी है गाड़ी कई टाइम से, महीनों से, अब ये नहीं टायर वैसे तो नया था, खराब ना हो गया वो भी देख लेना। खराब तो नहीं होता, वो पंचर ही होगा। ठीक है, फिर कब जाके करोगे? यहाँ से 15-20 मिनट टाइम लगेगा, फिर ओके। अपनी गाड़ी का पंचर लगवाना था, भाई जी कह रहे हैं ये तो इसमें ही हवा कम है, मैं कह भी भर दो। ओए ये क्या हो गया? अब गाड़ी मुझसे कहीं लग गई है, वैले में किसी से लग गई है, ये नहीं समझ आ रहा, मगर सरदार जी कहेंगे मेरी गाड़ी जब भी आ रहा है यार, तो वो समझा। वैले में सरदार जी की थार मार लाया था, अभी ये हल्की सी लग गई है, तो इसको तो टिच करवा लेता हूँ, वो ना सामने बॉडी वाला मेरे को भेजा किसी ने। भाई लोग लंच कर लें फिर देखेंगे। अपनी गाड़ियां मेरे से कभी नहीं थी, मगर किस्मत खराब है, किसी से मांगी हो ना तो कहीं ना कहीं तक तो बच जाए तो पंगा बढ़ जाता। ये निकल गया यार, ये जो डेंट वेंट है ये निकलवाने का क्या खर्चा आएगा? डेंट हो गया तो पेंट ही उखड़ गए, पेंट को होगा क्या खर्चा आता है इसको एक पेंट करने का? ये तो हमारे भाई साहब हैं, भाई साहब से पूछूं। सर ये इनोवा का अगर बोनट पेंट करवाना हो तो अप्रोक्सीमेटली क्या खर्चा आता है? बम्पर का सॉरी बम्पर का 3,000 बम्पर का।
ठुकी तो बहुत हुई है, पता नहीं मेरे से कहाँ लगी है। लग जाएगा भाई, हो जाएगा फिट। बोनट खोलूं से भाई, ये लंबा ना हो जाए काम। अरे वहां से डालता है, यहां से निकल आता है, ऐसी रहेगा जी। वहां से पकड़ के उधर से डालो भाई, कोई तो इलाज होगा इसका। होटल में तो हो सकता है वैले वालों से लग गई हो, मेरे को तो ऐसा कुछ दिया। खड्डे भी आज पानी बहुत भरा हुआ है हर जगह। हाँ बस वही है, गैप ज्यादा आ गया। सब कुछ करा दो यार, मतलब नाक ना कटे, बस इतना कर दो। पूरा खुल के ही सेट होगा ये। बट इस बैड न्यूज के साथ एक गुड न्यूज ये है कि हमारा प्लान फाइनल हो गया सारे विद फैमिली, सब परिवार। मेरी फैमिली नहीं है ऑब्वियसली, बट हम जा रहे हैं हिल स्टेशन पे। पहली बार पूरी सबकी ट्रिप लगेगी इकट्ठी। कोशिश ये है कि टेम्पो ट्रैवलर कराएं, मगर गुलाटी साहब का थोड़ा सा ये है कि गाड़ी ले चलो बच्चों के लिए कम्फर्ट। तो हम ढूंढ रहे हैं कुछ, हमें कोई थोड़ी सी जो है ना सेमी लग्जरी या कम्फर्टेबल वाली मिल जाए, जिसमें बच्चे वगैरह भी सारे रह सके। क्योंकि टेम्पो ट्रैवलर का फन अलग आएगा कि एक तो सारे एक गाड़ी में होंगे, फिर गपशप लगते हुए मस्ते चलते हुए व्लॉगिंग करते हुए, वरना मेरे को टप्पे खाने पड़ेंगे पहले उस गाड़ी में फिर इस गाड़ी में, जब तक पहुंचे नहीं। 8-9 घंटे का सफर हमारा। चल बढ़िया भाई, थैंक यू। पैसे एक बार को तो मैं ईमानदारी से घबरा गया था, सही बताऊं कि बेसी ना हो जाए, पर चलो काम निपट गया, सस्ते में छूट गया। अब बैंक से जो है ना वो लोग पहुंचने वाले हैं, उनको टाइम ये था 5 बजे का और 7 बजे। आज अपने को यही वीडियो शूट करके डालनी है, इसमें ज्यादा कंटेंट तो सर देखो मैं कुछ कर नहीं पा रहा, क्योंकि अगर रोज वीडियो बनानी हो ना तो ये चैलेंज रहता है, क्योंकि हर दिन हमारी जिंदगी में एक्साइटिंग हो नहीं सकता। आज किसी से मिलना बिलाना भी नहीं हुआ, कल थोड़ा जो है ना हमारी स्पेशल प्लानिंग चल रही है सुकुंदर मेरी, अब मैं उसके बारे में बताना नहीं चाहता क्योंकि कल 4 घंटे हमें वो प्लानिंग करने में लग गए और वो मैं शूट नहीं करना चाहता था क्योंकि फिर वो सिरे पे ना पहुंचे तो बेइज्जती होती है, इसीलिए आज यही है ये वीडियो, सॉरी। इस फैक्ट्री आया हूँ मैं अपने लिए हाफ ग्रिल्ड चिकन पैक कराने के लिए, मगर सामने गोलगप्पे लग रहे हैं यार। ये सैंड्रा मेरे बड़े फेवरेट है, संगम चाट भंडार। मगर एक तो डाइटिंग चल रही है, खा नहीं सकता, मगर डाइटिंग पे भी काबू खत्म हो गया था मेरा कि मैंने कहा कोई नहीं 2 गोलगप्पे खा लेता हूँ टेस्ट के लिए, मगर अभी तैयार ही नहीं है। मैं तो होटल अपने रूम में आ गया था, बैंक वाले भाई लोग अभी फ्री होके गए हैं, उसकी भी एक कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पे ऐड हो गई। 1600 रुपए का बिल बन गया मेरा बिना कुछ खाए पिए। अभी उसके बारे में बताता हूँ। सरदार जी आ गए हैं चाबी लेने के लिए, जरा फिर उनके साथ। हाँ जी सरदार जी पहुंच गए हैं, क्या हाल है सरदार जी? बस सर बढ़िया बढ़िया। वाह क्या बता, क्या मंगाऊं आपके लिए? भूख तो नहीं लगी सर? भूख कैसे पता लगा? मैं तो सुबह से कुछ खाया नहीं है, ब्रेड वही खाया सर, ब्रेड अंडा है। अच्छा हाँ। चलो किस्मत अच्छी है आपकी, मेरे को वैसे पता नहीं लगा, मेरी मजबूरी है आपसे पूछना। क्यों क्या हुआ, ऐसे क्या हो गया? बैंक से लोग आए। बैंक से? अच्छा हाँ। हाँ, हाँ। वो उन्होंने मेरे को कोई इन्फिनिटी करके स्पेशल प्रोग्राम होता है HDFC हाँ, बैंक का हाँ, हाँ। वो देने आए कि हमने आपको स्पेशल चूज किया जी इस प्रोग्राम के लिए, बाय इनविटेशन ओनली होता है हाँ। और ये इम्पीरियल लेवल के ऊपर है, हमारे शायद डॉलरों में पैसे आते हैं इसलिए है, भगवान जाने। तो ये दे के गए, अब वो आए नीचे बैठे, हाँ हाँ खोलो, वो आए नीचे बैठे तो लॉबी में, अब वहां नीचे तो कॉफी शॉप है, थोड़ी देर में आ गया पूछने के लिए क्या लोगे कौन वेटर हाँ हाँ। मैंने उनसे पूछा भाई आप लोगों को कुछ चाहिए, तो उन्होंने मना कर दिया था। कल मैंने कहा कुछ चाय भाई कुछ मंगा लो, कुछ तो ले लो। नहीं 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 सर कुछ नहीं। मैंने कहा फिर मैं भी क्या मंगाऊ, एक बार मना कर दिया है ना, पहली बार ना नहीं कहना, दूसरी बार ना नहीं कहना, जैसे कोई उनसे पूछे लेना तो इसलिए मैंने उनसे दूसरी बार पूछा नहीं। उन्होंने कहा बात टरक गई, हो गया था ठीक है। इतनी देर में एक बंदा आया, कह तो सर यहाँ पे ना मिनिमम कवर चार्ज है, कवर चार्ज के 400 रुपए बंदा, अगर इन टेबलों पे आप बैठ गए, आप ऑर्डर करो या ना करो हाँ। तो आपका कवर चार्ज बनेगा उनसे 15 मिनट बैठ के ये कागज बुकलेट लेने के लिए हाँ। मेरे को 1600 रुपए का बिल टैक्स। अच्छा, 4 बंदों को 1900 रुपए का बिल बन गया। मैं कर रही है सर, किस्मत वालों की बात होती है, खिलाओ चलो खाना खा। 1900 रुपए का बिल बन गया, मैं गया यार अब क्या। फिर मैं गया मैनेजर के पास, मैंने कहा भाई ऐसा मैंने चाय तक नहीं ली, 1900 रुपए का बिल बन गया। मैंने कहा काम करो अब ये हम इन रूम डाइनिंग में ना मेरा एडजस्ट करा देना। वो कहते ठीक है। मैंने कहा चलो चल के खा लेते ना आराम से बैठ के तसल्ली पे। क्या
नीचे वहीं पे ही और क्या, देख भी लेते हैं वैरायटीज क्या है। हाँ वो भी हो सकता है काम, मगर अरे 1900 आप कुछ नहीं आता। मानो मानो या ना मानो, आज जाम बहुत लगा था फरीदाबाद में। हाँ। पूरी मथुरा रोड चौक थी। हाँ। तो मैं दोपहर को खाना खाने गया नहीं, और गाड़ी भी आपको पता है आप ही के पास थी से सुबह से। आप कब्जा करके बैठे हुए हो गाड़ी से, मेरे खबर है। मैंने उसको गाड़ी लेने गया ना, मेरे से पूछा था, कहता मनोज ही चला लोगे? मैंने कहा मेरे पास सेम गाड़ी है, कैसी बात कर रहा है? कहता आप वो इंडिया आए हो ना लेफ्ट हैंड ड्राइव, क्या कर दिया आपने, लगवा दिए सामने से। मुझे लग रहा है, मुझे नहीं पता, मेरे से ठुकिया गया पहले, बहुत माइनर जो है ना बंपर उतर गया था सर। आप बड़ी माइनर सी मेरी थार भी ठोक के आए थे जब कश्मीर गए थे, और वो जब माइनर मैंने खोला था ना, लाइटें टूटी हुई है, बम्पर टूटा हुआ है, मेरा 15-16 हजार रुपए का खर्चा आ गया। हाँ जी, इतनी ज्यादा ठोक के लाए थे आप वो फिर सर, उसको पता नहीं लगा। हो सकता है नीचे नीचे अंदर रह गई होगी, अंदर रह गया था, वरना मैं करवा के देता आपको। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, इंश्योरेंस थी सर। मगर इस बार जो है आपकी क्या कहते हैं, मैं बंपर जुड़वा के लाया हूँ, पूरा बकायदा पौना घंटा बॉडी शॉप पे गया हूँ। इसका मतलब गिर गया था? नहीं गिरा नहीं था, लूज हो गया, इतना सा निकल गया था। अभी वीडियो में देख लो, वीडियो में सारा शूट किया, कोई दिक्कत नहीं, पूरा प्रॉपर सेट करवा के लाया हूँ बंपर आपके लिए। मैंने पहले से गैप था थोड़ा बहुत, हाँ बहुत हल्का सा माइनर था, नहीं अब ज्यादा, वो थोड़ा खुल गया था, मैंने करा दिया, टिच करा दिया। चलो कहाँ से करवा के लाया फिर? अपना मार्केट से, यही जहाँ से 14 की मार्केट से पीछे वो था। चलो फिर आपको बंदा मिल गया होगा, वैसे हाँ, बंदा मिल गया। नहीं आपने इतनी तकलीफ नहीं, नहीं होगा तकता, वो बम्पर अच्छा थोड़ी लगता है। इसका मतलब आपने ज्यादा मारी होगी फिर, देख पता नहीं पता नहीं रहा नहीं तो आ देगी नहीं लगी यार, मेरे को तो ये भी नहीं पता मुझसे लगी कहीं लगी किसी खड्डे खुड्डे में हिल के भी बात सड़ों के खड्डे कितने पड़े बारिशों में। चल ठीक है, बात नहीं करा दिया ना। ठीक देखो मैं आपको बता रहा हूँ, अब नीचे होटल वोटल में क्या करना, जाके इन रूम मेन्यू सेम है, यही मंगाओ। चल यही मंगा ले, कर कर कर, चिली चिकन मिली चिकन मंगाओ। हाँ मंगाओ सर, ठीक है ना। सरदार जी का जो इम्पोर्टेंट फोन आ गया, तो ये अपनी कॉल ले ले, हम आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, क्योंकि आज ज्यादा कुछ हुआ नहीं, मगर अब रात को हमें जाना है अगली वीडियो में। आपको इतना बड़ा सरप्राइज, मतलब झटका, मतलब हैरान हो जाओगे आप अगली वीडियो में। बाकी वीडियो ठीक ठाक लगे, प्लीज लाइक एंड शेयर, चैनल के सपोर्ट के लिए सब्सक्राइब बटन, बेल आइकॉन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।